यूपी की राजनीति इसकी जितनी चर्चा की जाए कम ही रह जाती है। इतने नाम, इतने चेहरे और इस लिस्ट में अब ऐसा नाम जुड़ गया है जो पहले तो एक आईपीएस बने और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में दिलचस्पी होने के कारण नौकरी छोड़ी और अब राजनीति में अपने झंडे गाड़ने के लिए तैयार हैं। बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से मनोनीत एमएलसी पद के लिए भेजे गए 6 नामों पर राज्यपाल ने अपनी मोहर लगा दी है और इसमें जो सबसे खास नाम है वो है साकेत मिश्रा का। साकेत मिश्रा वर्तमान में पूर्वांचल विकास बोर्ड के सलाहकार हैं, पर बीजेपी ने उच्च सदन यानी कि एमएलसी यानी कि विधान परिषद के लिए उनका नाम मनोनीत करवा के एक साथ कई एजेंडे को साधने की कोशिश की है। राजनीतिक रूप से इन्वेस्टमेंट बैंकर साकेत मिश्रा का नाम उस समय चर्चा में आया था जब लोकसभा चुनाव से पहले श्रावस्ती सीट पर दावेदारों की चर्चा हो रही थी। फाइनेंस के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रखने वाले साकेत मिश्रा को बीजेपी से टिकट का एक प्रबल दावेदार माना जा रहा था, पर बाद में उनका नाम नहीं घोषित किया गया। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पूर्वांचल विकास बोर्ड का सलाहकार बना दिया था। साकेत की परिवार की बात करें तो राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा उनके पिता हैं। नृपेंद्र मिश्रा वही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव भी रहे हैं। बता दें कि साकेत मिश्रा ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, उसके बाद IIM कोलकाता से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रशासनिक सेवा की थी तो साकेत मिश्रा ने भी सिविल सेवा की परीक्षा दी और 1994 में IPS बने। लेकिन फाइनेंस सेक्टर में दिलचस्पी होने के कारण बाद में उन्होंने इस्तीफा देकर फिर से फाइनेंस सेक्टर में लौटने का इरादा किया, जिसके बाद साकेत मिश्रा ने कई बैंकों में उच्च पदों पर काम किया। हालांकि पैतृक निवास की बात करें तो साकेत का पैतृक निवास देवरिया के कसली गांव में है, पर राजनीति में प्रवेश करने के लिए उन्होंने ननिहाल को चुना है। बता दें कि उनका ननिहाल श्रावस्ती में है और साकेत के नाना पंडित बदलूराम शुक्ला क्षेत्र के प्रभावशाली ब्राह्मण चेहरों में से एक रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी से वे बहराइच से सांसद भी रहे हैं। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले साकेत ने श्रावस्ती में जमीन पर काम किया और लोगों को अपने साथ जोड़कर भी रखा। वहीं इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें अपने नाना के नाम और पारिवारिक पृष्ठभूमि का फायदा नहीं मिला। बस साकेत मिश्रा लगातार श्रावस्ती में जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ काम करते रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने के कारण उन्हें पूर्वांचल विकास बोर्ड का सलाहकार बना दिया गया था। साकेत मिश्रा के चयन के बाद बीजेपी की ये रणनीति और स्पष्ट हो गई है कि पार्टी प्रशासनिक सेवा में अनुभव और किसी विशेष योग्यता वाले टेक्नोलॉजी जानकार युवा चेहरों को तरजीह देना चाहती है। 2012 में जहां ईडी से इस्तीफा देकर आए राजेश्वर सिंह को पार्टी ने टिकट दिया, वहीं कन्नौज जैसी सीट से पुराने कार्यकर्ता की जगह पूर्व आईपीएस असीम अरुण को टिकट दिया गया। असीम अरुण इस समय योगी सरकार में मंत्री भी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाने वाले पूर्व ब्यूरोक्रेट अरविंद कुमार शर्मा को भी पार्टी ने एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया है। इसी कड़ी में अब साकेत मिश्रा का नाम भी जुड़ गया है जिनको फाइनेंस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है। लेकिन अगर भाजपा के इस कदम को सियासी तौर पर देखें तो पूर्वांचल की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व देखने को मिला है। साकेत मिश्रा भले ही ब्राह्मण राजनीति में बड़ा नाम ना हो, पर उनके बहाने ब्राह्मणों को संदेश देने की कोशिश जरूर की गई है। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी कहते हैं कि मनोनीत नामों को देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि 2024 के चुनाव के लिए जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है। ब्राह्मणों को संदेश देने का ये एक हिस्सा है, वहीं हमेशा ब्राह्मण और क्षत्रिय चेहरे यहाँ पर प्रमुख रहे हैं। 2024 के चुनाव में बस कुछ ही अब वक्त बचा है, ऐसे में चौंकाने वाला फैसला नहीं होगा कि साकेत मिश्रा को श्रावस्ती लोकसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाए। फिलहाल ये थी अब तक की जानकारी जो हमें भेजी थी हमारे सहयोगी शिल्पी सेन ने। कैमरे के पीछे हमारे साथी कमर और मैं आपके साथ मोहित सिंह कुशवाहा। अब यूपी से जुड़ी हर एक खबर को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक।